अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम हो गया जी अनदर व्लॉग के अंदर। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? ये है शहरी। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं नानू के घर क्या कर रहा हूँ। नानू के घर इसलिए आया हुआ था कि आज है मोमिन साकिब का शो, जो मोमिन साकिब के शो हो रहा है ना हद कर दी, समा टीवी पे वहाँ पे आज हम जा रहे हैं एज अ ऑडियंस। तो देखते हैं उधर जाके क्या होता क्या नहीं होता। अभी मैं जा रहा हूँ, शहरी जा रहा है और आज़िम हम जा रहे हैं। बाकी अभी निकलते दिखाते हैं फिर, और ड्रेसिंग वगैरह भी आपको मैं शहरी से कहूँगा, वो दिखा देगा आपको। बाकी अब मिलते हैं। अच्छा जी गाइस, अभी हम जा रहे हैं शो में, तो देखते हैं उधर जाके कौन कौन आया हुआ है। और आज बेरोज सब जब आ रही, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो आ रहा है। और हमारे साथ आज़िम मामू हैं, इनको भी दिखा शहरी। और आज़िम मामू हैं, शहरी है। शहरी को मैं अभी दिखा देता हूँ, वो उसे कैमरा मूव नहीं होना, तो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। बाकी अब शो में जा के फिर देखते हैं कि क्या मज़ेदार आज सीन होएगा। और अच्छा जी गाइस, तो ये शहरी है और ये आज़िम मामू है और ये मैं हूँ। बाकी हम आ चुके हैं इस टाइम लोकेशन पे और अब अंदर जाके आपको दिखाते हैं सारा सीन। तो गाड़ी भी हमने पार्क कर दी है, अब हम जा रहे हैं अंदर। Few minutes later. सो गाइज, हम सेट पे आ चुके हैं। सेट आप देख सकते हैं कितना अच्छा सेट है, और ये मामू बैठे हैं, मैं और शहरी। हमने कहा हेलो करो, हाय। और ठीक है, अगला एक घंटा मुझे दे दो, ये घंटा हमने एंजॉय करना है। तो हिट होना ही है कि आज हमारे गेस्ट जो है उनकी एनर्जी, उनका जोश, उनका बलबला कमाल है। अगर आप भाई इतने स्टेज पे साल है रांझे की मोहब्बत, शहर चांद से हूँ मैं। आए रांझे शहर से, जो हम जंग वाले हैं, जो हम जंग वाले हैं, हमारा काम ही यही है दूसरों से मोहब्बत करना। तो हमारा दिल ऐसा है कि आप किसी से मोहब्बत हो जाती है हमें। आज ये किसी से शादी ये बस होने वाली है, अभी हो जाएगी। अखा थले करके बैठी सर जी, और मैं कहूंगा शेर के पढ़ते माई दिस शेर इज डेडिकेटेड टू सर मोहम्मद इकबाल। सर आई एम बिग फैन ऑफ यू। डबल सॉरी लगी है, आई नीड। और मैं आपसे फिर कुछ सुनना चाहूंगा सर जी। पहले शेर आपके लिए है सराइकी में, मैं वैसे पंजाबी हूँ, तो मेरा शेर सर के लिए है कि तुसी आखरी हो, तुहाड़े बाद कयामत है। ये शेर सुनाता सी। वैसे आपकी जिंदगी के सफर के बारे में आपने किस तरह की इंडस्ट्री को ग्रो करते दिखाया, खूबसूरत सफर अल्हम्दुलिल्लाह। सर वेलकम टू हर करते तशरीफ करते और बात करते हैं। और ये सबका ख्याल है कि जावेद साहब जो है वो लड़कियों पर बढ़ जाते होंगे, वो खुदा की कसम है लड़कियां बनती हैं। अच्छा जी गाइस, तो इस टाइम हमने शो एंड कर लिया है, जैसे कि आपको मैंने थोड़ा बताया। अभी हम बाहर आए हैं थोड़ा सा, तो और अभी हम जा रहे हैं कहीं पे कुछ खाने पीने, देखते हैं अब क्या खुला है क्या नहीं खुला, या तो घर जाके ही फिर खाना पड़ेगा। तो देखते हैं पहले क्या खुला है। और आज में हम कैसा शो लगा आपको? बेहतरीन, बेस्ट दिखा, कैसा शो लगा? बेहतरीन, बेस्ट। कुछ सीखने को मिला कि नहीं? बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं, मैंने सुना है कि मैंने भी देखा था कि ना ये शो में ना मज़ा नहीं आता। अब उनको मज़ा इसलिए नहीं आता क्योंकि उनका इस फील्ड से ताल्लुक ही नहीं है। अब जो इस फील्ड को थोड़ा सा समझता है, एक्टिंग को जानता है, उसको तो मज़ा ही आएगा ना। अब मैं अपनी बात जैसे करूँ, मैं सोशल मीडिया से ताल्लुक रखता हूँ, जैसे टिकटॉक, आप टिकटॉक पे देखते हैं, आप मुझे स्नैप पे देखते हैं, आप यूट्यूब पे भी देखते हैं, तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि हाँ भाई किस तरह एक्टिंग होती है, क्या क्या हिसाब करना होता है। अब जो लोग देखते ही नहीं, करते ही नहीं है बिल्कुल, वो कहते हैं कि नहीं हमें नहीं पता, हमें नहीं मज़ा आया। लेकिन खैर, अच्छा शो था,
आते हैं, बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, आते हैं। का शो नहीं था ये, लेसन का शो। एक लेसन मिलता है, वो भी आपको इंटरटेन करते हैं लोग, ये एक्टर्स ही आके इंटरटेन करते हैं और बहुत मज़ा करते हैं, इंजॉय करते हैं। खैर इस व्लॉग को अभी इधर से कंटिन्यू रखते हैं, आगे जाके आपको दिखाते हैं। और कुछ छूझा नहीं तो हम मैकडोनल्ड्स आ गए। ये मामू बैठे हैं, ये मैं बैठा हूँ, और शेरी को सिर्फ अपनी स्नैपचैट पे स्ट्रीकें बनाने के अलावा और कोई काम नहीं आता। स्नैपचैट लवर ना कमेंट करें ज़रा। अच्छा जी गाइस, तो हम शो से निकल के हम सीधा चले गए मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स आके हमने डील खाई है, तो उसके बाद फिर हम चले गए आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम खा के अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। मामू क्या हुआ? अच्छा मामू कह रहे हैं बाद में बताता हूँ, कैमरा में कुछ नहीं बोलना। तो गाइज बस यही सीन है कि इंशाल्लाह आप घर जाके मिलते हैं। मामू कह रहे थे कैमरा बंद कर, तो उन्होंने बात करनी थी। खैर वो पूछ रहे थे कुछ खाना पीना है नहीं, अब इतना पे बैली फुल हो गई है, सारी बैली फुल हो गई है। और भैया बाकी मामू अब बिल करवा के बाहर आएंगे, फिर उसके बाद हम निकलते हैं अपने घर को। फिर इंशाल्लाह घर जाके व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं आपको घर जाके। अच्छा जी गाइस, तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। ऑफिस आया तो याद आया कि यार व्लॉग भी एंड करना है, तो खैर इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। सॉन्ग्स इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि मुहर्रम है, मुहर्रम का एहतराम करना चाहिए। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मेरी सालगिरह भी आ रही है गाइस, तो फिर हैवी सा व्लॉग आएगा, लेकिन उस दिन भी नौवीं मुहर्रम है तो सेलिब्रेट कुछ कर नहीं सकूँगा। बाकी मुहर्रम के बाद करेंगे, सेलिब्रेट तो लाजमी करेंगे हम अपनी बर्थडे। बाकी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा। ऐसे बहुत सारे शोज़ और भी आएंगे जिसमें जाएंगे और व्लॉग बनाएंगे, तो साथ साथ रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।